हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे प्लांट्स के नेम बताऊंगी जिन्हें आप बीज से या फिर कटिंग से इजी ग्रो कर सकते हो फरवरी मार्च में। इस टाइम पर क्या होता है कि जो हमारे गर्मियों में फूल देते हैं प्लांट या फिर अच्छे से ग्रोथ निकलती है, उनका सीजन स्टार्ट हो जाता है। हमारे विंटर के जो प्लांट है इस टाइम वो थोड़े डल होने लग जाते हैं। तो कौन कौन से प्लांट हैं, क्या कैसे केयर करनी है, किस तरीके से, सब कुछ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, अगर आपको कहीं पर कुछ मिस्टेक लगे या कुछ तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। तो फर्स्ट प्लांट है हमारा गुले दुफेरी। गुले दुफेरी बोलते हैं, नाइन ओ क्लुक बोलते हैं, बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। गर्मियों में ये प्लांट को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसे आप हैंगिंग पॉट में लगा सकते हो, प्लास्टिक बोतल में लगा सकते हो, या फिर अपने अकॉर्डिंग इस प्लांट को आप डेकोरेट कर सकते हो। इसके फूलों के कलर बहुत सारे मिलते हैं। इनमें आपको दो तीन तरह की वैरायटी मिलती हैं, एक हाइब्रिड वैरायटी होती हैं और एक देसी वैरायटी होती हैं। इन्हें आप कटिंग से भी, बीज से भी तैयार कर सकते हो। नर्सरी में आपको 20 रुपीज़ का मिलता है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा सदाबहार, या फिर विंका भी बोलते हैं इसको। विंका प्लांट भी दो तीन तरह के होते हैं, हाइब्रिड भी होते हैं और देसी भी होते हैं। ये वाले देसी प्लांट हैं, इनकी इस टाइम पर बहुत अच्छी ग्रोथ निकलेगी। अगर आप इनको सीड से ग्रो करना चाहते हो, कटिंग से ग्रो करना चाहते हो, कर सकते हो। हाइब्रिड प्लांट भी आप इनके अपने घर पर तैयार कर सकते हो और पूरा दिन की धूप में रख सकते हो। नेक्स्ट हमारा बिगोनिया प्लांट। इसका भी सीड्स तो ग्रो नहीं होगा, लेकिन आप इसको अभी कटिंग से ईजी तैयार कर सकते हो। ये क्योंकि एक सकुलेंट होता है तो आपको इसमें पानी कम डालना होता है और ऐसी जगह रखना होता है जहाँ पर इसे सुबह की 2 से 3 घंटे की अच्छी धूप मिल जाए। बिगोनिया के भी बहुत सारे कलर मिलते हैं और 20 रुपीज़ के आपको ये नर्सरी में मिल जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्लांट है हमारा गोमफ्रीना। गोमफ्रीना बहुत ही हार्डी प्लांट है, बिल्कुल कम केयर में चलने वाला है। ये कटिंग से इजी तैयार होता है, बीजों से इजी तैयार होता है। अगर आपके पास इसके सूखे हुए फूल भी रखे हुए हैं तो आप इसे उन सूखे हुए फूलों से इजी से अभी अपने घर पर तैयार कर सकते हो। इसके फूल एक बार खिलने के बाद कम से कम 1 मंथ तक ऐसे के ऐसे ही खिले रहते हैं। और मैंने ये सभी प्लांट सीड से ही तैयार किए हुए हैं। पूरा दिन की धूप में रखा जाता है, परमानेंट प्लांट है और ये नर्सरी में आपको 40 से 50 रुपीज़ का मिल जाता है। मिनिमम 7 से 8 इंच के पॉट में भी लगा सकते हो। अगर आपके पास छोटे पॉट हैं, प्लास्टिक के पॉट हैं, तो आप उनमें भी इस प्लांट को ग्रो कर सकते हो। ये प्लांट बहुत ही हार्डी होता है, ये पूरा साल आपके पास रहेगा। और इसमें सिर्फ मैं क्या करती हूँ, 20 दिन में 25 दिन में एक बार गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट, इन दोनों को पानी में घोल के, उसी में आप थोड़े से डीएपी के दाने भी डाल सकते हो, क्योंकि इस पर फूल भी खिलते हैं तो थोड़ी फास्फोरस की मात्रा मिल जाएगी, तो प्लांट की ग्रोथ और अच्छी होगी। तो आप उसमें 15 दिन में एक बार इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाकर इन प्लांट की जड़ों में डाल सकते हो। आपके प्लांट में फूल भी अच्छे आएंगे, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो मैंने देखो ये सभी प्लांट जो हैं अपने सीड से और कटिंग से तैयार किए हुए हैं। गोमफ्रीना के जितने फूल अच्छे लगते हैं उतनी इसकी पत्ती भी सुंदर लगती है, क्योंकि इसकी पत्तियाँ काफ़ी बड़े साइज की होती हैं। अगर आप इन्हें बालकनी में रखोगे तो फूल नहीं आएंगे, पत्तियाँ आएंगी। फूलों के लिए इन्हें कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप ज़रूर से चाहिए होती है। प्लास्टिक पॉट में भी ग्रो होता है। नेक्स्ट हमारा पर्सलेन। पर्सलेन पोर्चूल का बहुत सारी वैरायटी होती है इनकी भी, तो इन्हें भी आप अभी कटिंग से तैयार कर सकते हो। हैंगिंग पॉट में लगाइए, पूरा दिन की धूप में रखिए, बहुत ईजी ग्रो होता है और काफ़ी सुंदर भी लगता है, फूल बहुत आते हैं इन पे प्लांट पे। नेक्स्ट प्लांट है हमारा बुगनवेलिया। बुगनवेलिया जो प्लांट होते हैं इनकी बहुत सारी वैरायटी होती हैं और काफ़ी हार्डी प्लांट होता है। इनमें अगर आप वाइन बनाना चाहते हो तो वाइन बना सकते हो, आप इनको बोनसाई रूप शेप देते हो तो बोनसाई भी बना सकते हो। आप इस प्लांट को अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हो, क्योंकि एक तो काफ़ी हार्डी होता है और ईजी टू ग्रो होता है। कटिंग आप इसकी अभी लगाओगे तो आपके पास बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगी। इनकी कुछ हाइब्रिड वैरायटी होती हैं, कुछ देसी होती
होती हैं। नेक्स्ट हमारा स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन दो तरह के होते हैं, एक पैरट कलर का होता है और एक ही पर्पल कलर का होता है। पूरे साल चलने वाला प्लांट है, सिर्फ 2 महीने इसकी पत्तियां बिल्कुल सूख जाती हैं। उस टाइम पर आपको क्या करना है, इस प्लांट को मिट्टी में लगे रहने देना है। और अभी अगर आपके पास ये प्लांट है तो इसके टॉप से लेकर आपको जितना मर्जी कटिंग लगा दोगे उतना जल्दी आपकी तैयार हो जाएगी। पूरा दिन की धूप में भी रख सकते हो, बालकनी गार्डन में भी रख सकते हो, ये एक वाइन होती है। नेक्स्ट हमारा टर्टल वाइन। टर्टल वाइन भी काफ़ी हार्डी प्लांट होता है और इनकी मैंने कटिंग लगा कर रख दी हैं। अगर आपके पास पिछले साल से पड़े हुए हैं तो आप जितना मर्जी कटिंग लगा दोगे, एक एक पत्ती से ये प्लांट तैयार हो जाता है। इसको सिर्फ पानी स्प्रे करते रहिए इसके ऊपर, जड़ों में ज़्यादा पानी ना रहे स्प्रे करिए, क्योंकि जितना अच्छा मॉइस्चर इसको मिलता है उतना ही इसकी ग्रोथ निकलती है। टर्टल वाइन काफ़ी हार्डी प्लांट होता है और ये बेल की तरह फैलता है। आप इसे छाया में भी रख सकते हो, धूप में भी। नेक्स्ट हमारा ड्रेसिना प्लांट। ड्रेसिना बहुत सारी वैरायटी इनकी होती हैं, इन्हें आप बालकनी गार्डन में रखिए जहाँ पर इन्हें 1 घंटे की धूप मिल जाए अच्छी। कटिंग अभी आप इनकी लगा दोगे तो बहुत ईजी तैयार होंगी, क्योंकि सर्दियों में इनकी जो प्लांट होते हैं, जो इनकी पत्तियाँ पुरानी होती हैं, वो सभी ब्राउन हो जाती हैं। तो आपको ऊपर के टॉप से इनकी कटिंग लेकर लगा देना है। नेक्स्ट हमारा कोलियस। कोलियस की भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट लीव्स वाले कोलियस होते हैं और इनकी लीव्स की वजह से ही इनको ज़्यादातर पसंद किया जाता है। अगर आपके प्लांट ज़्यादा पुराने हो गए हैं, उन पर फूल आ रहे हैं, तो सभी फूल को पिंच कर दीजिए और ऊपर के टॉप से लेकर जितना मर्जी कटिंग लगा दोगे आपके कोलियस तैयार हो जाएंगे। ये वाले मैंने कोलियस की कटिंग लगाई हुई है। कोलियस की कटिंग कैसे लगाते हैं मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा अजवाइन का प्लांट। अजवाइन का प्लांट बहुत सारे कामों में यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप चाय की पत्ती, चाय में यूज़ कर सकते हो इसके पत्तों को, खाने में यूज़ कर सकते हो, और इसमें से अजवाइन की खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये प्लांट अगर आप यूज़ भी नहीं कर रहे तो गार्डन को डेकोरेट करने के लिए भी बेस्ट रहता है। सुंदर लगता है एक तो देखने में, और कटिंग से ईजी तैयार होता है, हैंगिंग पॉट में लगा हुआ बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट है हमारा लोरोपेटलम। लोरोपेटलम जो प्लांट होते हैं ये हेज बनाने के काम आते हैं। सड़कों किनारे आपने बहुत देखा होगा इनकी लाल रंग की पत्तियां होती हैं जो कि बहुत ही सुंदर लगती हैं। और लोरोपेटलम जो प्लांट होते हैं इनकी बहुत सारी वैरायटी भी होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट। कुछ ये नीचे की तरफ हैज बन जाते हैं लोरोपेटलम, और कुछ ब्रांच की तरह लंबे लंबे फैल जाते हैं। इनको भी 3 से 4 घंटे की धूप मिले अच्छी ऐसी जगह पर आप रख सकते हो। अगर पूरा दिन की धूप आ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ईजी से ग्रो हो जाएगा। नेक्स्ट प्लांट है हमारा कोचिया। कोचिया गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, हरे भरे रहते हैं, तो कोचिया को भी आप अभी ईजी से अपने घर पर तैयार कर सकते हो, वो भी सीड से। अगर आपके पास पुराने प्लांट रखे हुए हैं, पड़े हुए हैं, तो उन पुराने प्लांट को जैसे आप झाड़ोगे तो उसमें से बारीक बारीक सा बहुत ही इनका सीड्स निकलता है, तो आप उस सीड से अभी अपने घर पर कोचिया को तैयार कर सकते हो। कोचिया की जब हम ऊपर की साइड से कटिंग करते हैं तो ये बहुत ही बूसी बनता है और देखने में काफ़ी सुंदर भी लगता है। कोचिया में गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट इस तरीके के खाद ही काफ़ी रहते हैं, इनमें ज़्यादा आप हैवी केमिकल वाले फर्टिलाइज़र ना यूज़ किया करें। मैंने इन सभी को 8 इंच के पॉट में लगाया हुआ है, वो भी मिट्टी के पॉट में। मिट्टी के पॉट में बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाते हैं। मैंने एक ही पॉट में पिछले साल बहुत सारा बीज डाल दिया था, तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी कितना सारा प्लांट मेरा उग गया है। नेक्स्ट सुख शांति। सुख शांति का प्लांट बहुत ही हार्डी होता है और परमानेंट प्लांट होता है, तो आप इसे अभी कटिंग से इजी तैयार कर सकते हो। मेरा ये प्लांट कटिंग से ही तैयार किया हुआ है और मैंने इसको 10 से 12 इंच के पॉट में लगाया हुआ है। मेरा ये प्लांट 2 साल पुराना है, इसका जो मेन प्लांट है वो मेरा 2 साल पुराना है, उसी में से मैंने ये कटिंग लगाई थी। नेक्स्ट हमारा ब्लीडिंग हर्ट। तो ब्लीडिंग हर्ट की कटिंग बहुत इजी तैयार होती है, ये वाली मैंने कटिंग लगाई थी और देखिए आप इसके कितने अच्छे से नई पत्तियां निकलने लग रही हैं। तो आप अभी ब्लीडिंग हर्ट को भी कटिंग से तैयार कर सकते हो। ये एक बेल होती है, पूरा दिन की धूप में आप इसको रख सकते हो और इसके फूल बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस प्लांट का क्या होता है कि आप इसकी कटिंग या फिर एयर लेयरिंग भी कर सकते हो, एयर लेयरिंग से भी ये इजी तैयार हो जाता है।
नेक्स्ट हमारा पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट प्लांट काफ़ी हार्डी होता है, परमानेंट प्लांट होता है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। कटिंग से तैयार कर सकते हो। बेबी सनरोज को भी आप अभी कटिंग से तैयार कर सकते हो। बेबी सनरोज भी हैंगिंग पॉट में यूज़ कर सकते हो और पर्पल हार्ट को भी आप हैंगिंग पॉट में यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।